दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ समृद्धि महामार्ग कहाँ से शुरू होता है। वैसे मैंने इसके पहले काफी सारे वीडियो डाल चुका हूँ समृद्धि महामार्ग के, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं ये डाउन होता है और ठीक यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना है, तो कहाँ से डायवर्शन लेना होगा, कहाँ से कितने दूर पड़ेगा, वो सारी डिटेल के साथ में मैं आज आपको बताने वाला हूँ समृद्धि महामार्ग के बारे में। और अभी कैसा तैयार हो चुका है क्योंकि उसका अभी हम देख रहे होंगे कि चेकिंग चालू है रोड की भी कि सब ओके है यानी, क्योंकि 11 तारीख को उसका इनॉग्रेशन है, तो देखते हैं कि कितना रेडी हुआ है, कैसा दिखता है, मार्किंग पट्टे बराबर है या नहीं, रिफ्लेक्टर बराबर लगे है या नहीं, हमारे रूल्स में बैठता है या नहीं, वो सारी डिटेल हम देखेंगे और आपको बताएंगे कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं समृद्धि महामार्ग की यात्रा। दोस्तों आपको एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर स्ट्रेट जाना होगा, वो कहीं पे भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है। अभी आप देखोगे कि सामने में एक आपको फ्लाईओवर दिखाई देगा, यहाँ पे गैस गोडाउन है और ये फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर मिहान की तरफ में जाता है, इसलिए आपको इस पे डाइवर्ट नहीं होना है। आपको यहाँ से स्ट्रेट ही बरोबर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक बोर्ड दिखाएगा चंद्रपुर हैदराबाद वाला, तो ये आपको स्ट्रेट ही जाना है। यहाँ पे एक डाइवर्ट रहेगा, नागपुर का बाईपास रोड है, लेकिन आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, आपको स्ट्रेट ही जाना है। स्ट्रेट जाओगे यहाँ पे आगे में आपको एक बाईपास रोड का दिखाई देगा फ्लाईओवर, तो इसी फ्लाईओवर पे आपको चढ़ना है। तो इसलिए आपको अब आगे से जैसे ही क्रॉस करोगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक टर्न होते हुए रोड दिखाई देगा, वहाँ पे आपको टर्न होना है। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो अमरावती तरफ जो जाता है, तो उसी पे यहाँ से आपको टर्न लेना है। कैंसर हॉस्पिटल भी आपको दिखाई देगा एक बोर्ड, और यहाँ से स्ट्रेट ऊपर आपको ही चढ़ना है। देख सकते हो कि ये टर्न हो रहा है, ये बाईपास रोड पर चढ़ेगा, तो यहाँ से आपको चढ़ते हुए जाना है। ऊपर से कुछ इस तरीके का व्यू आपको दिखाई देगा गाइज, और यहाँ से मार्किंग पट्टे वगैरह चालू है, अभी तक के यहाँ पे मार्किंग वगैरह नहीं की गई थी, लेकिन अब जो है इनॉग्रेशन है इसलिए मार्किंग किया जा रहा है। तो गाइज जैसे कि हम लोग अभी पहुंच चुके हैं समृद्धि महामार्ग का टी पॉइंट पे, नहीं पहुंचे ठीक है, ये टोल रोड है और ये रोड यहाँ तक के है, इसके आगे का रोड अभी बनना बाकी है, यानी बाईपास रोड जो है ये वाला, इसका अभी दोनों साइड से काम चालू है और समृद्धि महामार्ग शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में जो ट्रैफिक बढ़ने वाला है इस रोड पर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो आप इधर में देख रहे हो एक फ्लाईओवर है उतर रहा है, यानी रेलवे जाती है इस पर, ब्रिज भी बोल सकते हो उसको थोड़ा, है ना, तो यहाँ से बहुत निरुंद है, यानी एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है जब तक कि ये दोनों साइड में चलना नहीं बन जाता। लेकिन हमने देखा है कि जो गड्ढों की समस्या है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, बड़े बड़े इनोग्रेशन होते हैं, गार्डन होते हैं, लेकिन सड़कों का गड्ढों का जो हाल है ना बहुत बुरा होता है, हमने इसके पहले भी आपको दिखाया है और बताया है। इसके पहले एक वीडियो मैंने डाला था, तब मैंने मेंशन किया था कि ठीक इसी पॉइंट पर यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे थे जिसपे पैचअप लगे हुए, लेकिन उसके बावजूद कुछ गड्ढे ऐसे है जो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे ये गड्ढे देख सकते हो, रात में बाइक वाले वगैरह इस गड्ढे से आपको दिखने में मामूली दिखता होगा, लेकिन जब उधर से डाउन भाग से जब गाड़ी स्पीड में आती है तो ऐसे छोटे गड्ढे भी जो रहते हैं ना, ये दिखने में वीडियो में छोटा होगा, लेकिन अगर गाड़ी अगर इस गड्ढे में जाए तो वो गड्ढा काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी अनबैलेंस होने के लिए। तो ये पैचअप सुधारना चाहिए, बनाना चाहिए, और इस गड्ढे को बचाने के चक्कर में ही कई एक्सीडेंट होते हैं। देख सकते हो कि कितने ज़ोरदार आवाज़ ट्रक कर रहा है, ट्रक है तो चल जाता है, लेकिन ऐसे में फोर व्हीलर है अनबैलेंस हो जाती है, टू व्हीलर है अनबैलेंस हो जाते हैं, और बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन होता है वो आप खुद ही जानते ही हो गाइस। तो समृद्धि के बारे में सब बताएंगे, लेकिन इन गड्ढों के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा गाइस, लेकिन हम लोग बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए नए रोड से इम्पोर्टेंट वो है जिससे लोगों की जान जाती है। तो गाइस समृद्धि टी पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको स्ट्रेट 7 किलोमीटर यहां से चलना होगा, 7 किलोमीटर के बाद ही समृद्धि महामार्ग का टी पॉइंट आपको मिल जाएगा। Thank you.
गाइज इस फ्लावर पे ना पिछले हम 2 साल से सफर कर रहे हैं समृद्धि के वीडियो शूट के लिए, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत थी कि बड़े बड़े गड्ढे थे। जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं ना सबको पता होगा कि इस रोड की क्या हालत थी। लेकिन जब अब पीएम साहब का काफिला यहाँ से गुजरा है रोड को देखने के लिए, तो जस्ट रिसेंटली यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा पैचअप पैक किया गया है और एक लेवल में डामर किया गया है। तो ऐसा क्यों होता है जब वीआईपी लोग आते हैं तभी रोड को मरम्मत की जाती है और जब बाकी लोग आम जनता चलती है तो रोड क्यों खराब रहता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या आम जनता के लिए कोई वैल्यू नहीं है? लोग मरे, गिरे, पड़े, हाथ पैर टूटे, गाड़ियों के खराब हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत बुरी हालत थी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको ठीक किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसी तरह कुछ बात करते हैं और रोड का दिखाते हैं आपको नज़ारा। तो गाइस जैसे कि ये स्पॉट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है इस रोड पर, जैसे कि आप देख रहे हो एरो वाला, इसी जगह पे जो है एक हादसा हुआ था और डेथ हो गई थी हर्षल उज्जैन ने भाई की। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब समृद्धि महामार्ग स्टार्ट होगा तब उसके बाद फिर से इस रोड पर और हादसे हो सकते हैं, इतनी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ। बिकॉज अगर ये अगर हटाया नहीं गया और इस रोड को क्लियर चालू नहीं किया गया समृद्धि महामार्ग के लिए, तो यहाँ पे और ज्यादा जो है एक्सीडेंट हो गए। बिकॉज उधर से जब गाड़ी आती है उसकी रोशनी की वजह से इस लेन की गाड़ी आने वाले को समझ में नहीं आता है अपना रोड, और उसकी वजह से हादसे ज्यादा हो जाते हैं। जब स्पीड में गाड़ी आएंगी अचानक से समझ में आएगा कि डायवर्शन है, और हो सकता है डायवर्शन लेने के लिए उधर जाए और वो कॉर्नर पर जो आपको दिख रहा है ना वहाँ पे गाड़ी टकरा सकती है। तो देखते हैं अब कि क्या सिचुएशन होती है आगे का, अभी दिन 3-4 दिन बाकी है तब पता चलेगा। तो गाइस हम लोग अभी समृद्धि महामार्ग का जो टी पॉइंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ में यहाँ से हम लोग चलेंगे टोल बूथ तक के, और उसके आगे तो जाने से कोई मतलब नहीं है, वो सेम वैसे ही आपको रोड दिखाई देगा। लेकिन वहाँ तक के जाने के बाद पता चलेगा कि रोड में कितना काम हो चुका है, जैसे कि सेंटर की लाइन हो गई है, रिफ्लेक्टर्स हो गए हैं, मार्किंग हो गई है और साइन बोर्ड हो गए हैं, क्या ये प्रॉपर तरीके से लग चुके हैं या फिर अभी लगना बाकी है। तो ये सारी डिटेल विस्तार से मैं आपको समझा के बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। ये आपके लिए एक बैड न्यूज़ हो सकती है, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा वो टी पॉइंट से लेके तो समृद्धि महामार्ग की सारी डिटेल के साथ में बातें जो आपको कोई भी नहीं बताएगा गाइस, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उस पर आते रहेंगे गाइस।